सो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मेरी इस बाइक का थर्ड सर्विस का जो बिल आया है वो ऑलमोस्ट आया है 6,500। और अभी निकलते हैं, है ना। चलो सब मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मेरी इस बाइक का थर्ड सर्विस का जो बिल आया है वो ऑलमोस्ट आया है 6,500, जो कि भाई एक सुपर बाइक का बिल है टू बी ऑनेस्ट, वो भी जस्ट आपके 4 से 5 महीने में। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोग का यू नो कटे ना, एंड दीज पीपल डजंट मेक अ फूल आउट ऑफ यू, बिकॉज ये लोग कुछ बोलेंगे कि यू नो आपको सारी करानी पड़ेगी, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप एनी हाउ बोलोगे हाँ यार चल ठीक है करवा देते हैं, है कि नहीं। फिर आप बहस वहस भी नहीं करोगे कि यार कि क्या इन लोगों के साथ मुँह लगना है, और अपनी ऑब्वियसली गाड़ी की बात है, अगर वो कह रहा है रिप्लेस करने को तो हमें करना पड़ेगा, राइट। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप लोगों का 1,000 की जगह 6,000 का बिल ना आए। सो फाइनली मैं V-Strom को उसकी थर्ड सर्विस के लिए लेके जा रहा हूँ। 1 साल के अंदर अंदर आपको थर्ड सर्विस करानी होती है। बाइक को मेरे 10,500 किलोमीटर हो चुका है और 15 दिन बचे हैं 1 साल होने के लिए। ये है बैंगलोर का रोड। एक्चुअली मैं सेकंड सर्विस यहीं पे कराने वाला था, बट तब मैं चेन्नई चला गया था। 10 बजे का मैं निकला हूँ, 11, 11:15 हो चुके हैं। जितना जल्दी आप सर्विस सेंटर के लिए जाओ उतना अच्छा है, आपका नंबर तब आता है, गाड़ी का जल्दी आता है। सो या आई थिंक वी हैव एंटर्ड व्हाइटफील्ड। पहले 2 बार आया था, तो ऑफिस के काम से आया था गाड़ी लेके, बाइक पे, अपनी बाइक पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ मैं इतनी दूर। अमेज़न का ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इसी एरिया में है। रोड तो ऐसे ही है यार, कुछ खास नहीं है। बैंगलोर इज़ सो फास्ट पेस्ड सिटी कि यहाँ पे आपको गाड़ी आप साइड में खड़ी रख के खड़े हो, कि इवन कहीं जगह भी आपको खड़े रहने की मिल जाए ना, वही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा है ही नहीं, फुल फास्ट पेस्ड ट्रैफिक है, हर जगह लोग मिलेंगे आपको। वो देखो एक्सेंचर है, That's the Accenture building। मेनली ना रेसिडेंशियल एरियाज में ही मैंने नोटिस किया है कि बैंगलोर के रोड्स अच्छे हैं। ओके, टाटा एलेक्सी यहाँ पे है। सो ये व्हाइटफील्ड मेन रोड ही है। क्या इसका अपना सुजुकी आर्यन का सर्विस सेंटर है ना, ऑथोराइज्ड है ना। एक्चुअली मेरी बात हुआ था फोन पे, वो V-Strom का सर्विस के लिए। अच्छा, या ओके, हिज नेम इज बालाजी। ओके ओके, जॉब कार्ड। ओके ओके, सो फर्स्ट जॉब कार्ड क्रिएट करने के लिए बालाजी से मिलना है। ओहो भाई, प्रेग्नेंट वुमन है ये तो। बालाजी, योर नेम इज? या आई एम रोहित। Actually that your manager sent me for the V-Strom service. Okay. Yeah, so you can create the job card now. Yes. Yeah, come. The bike is there. Yeah, I've kept it outside only. So you're like workshop manager? No, service advisor. Service advisor. Okay. Service advisor. Yeah, it's third service. Third service. Third service. You have manual with you? Yeah, I have. Okay, can you please? Yeah, sure. So you will be like working alongside mechanic? Yeah, sure. Because I have few concerns with this bike. Okay, Salem. So the thing is like how many hours I will be getting this bike? Actually, if you by afternoon would be fine. Afternoon 2 to 3 maximum. Okay. Actually, where are you from, sir? Actually, I am from Punjab. Yeah. 1 month still to go for 1 year. 1 year. Huh? Yeah, it's under 1 year. Yeah. It's a third service, yeah. Okay, so third service is the last free service. Okay, from fourth. So I will try to. Okay. Next service I'll try to give. No problem. Okay, so with this branch, how many years you've been working? No, only 2 months. Just started only. Just started. So you know Kannada? कन्नड़ आता है, हिंदी आता है, ओके ओके। अकॉर्डिंग टू थर्ड सर्विस यू जस्ट डू द लाइक इंजन ऑयल चेंज, okay, oil filter change, yeah. Spark plug replace, like if there is a need to replace then only replace, yeah yeah, rest all the things you don't change anything, okay. हल्का सा turn करना है, like थोड़ा सा ये loose करके finishing at last, yeah one time, yeah okay, come with me, just sit, we will adjust last and chain clean and lubing you can do, no problem. One more thing sir, actually the labor is free for the service, okay, for the free service, okay. Oil filter you need to pay, okay, yeah yeah, I know yeah I know, yeah yeah. Brake overhauling, we are removing the caliper and cleaning. Yeah, yeah. Don't also the labor will come. Yeah, yeah, no problem. Yeah, yeah, sure, sure. Okay. Very much vibrating. Okay. All the customers, their problem coming is from the rivet one. Okay. The rivet one is making the vibration. Actually, I have changed the whole thing. Right? Yeah, I have actually removed that. This is completely different. Okay. So, don't need to change the bolt. No, nothing. No. Just all the bike fasteners, this nut bolts and handle thing I have told you. That's it. Okay. ये सब निकाल दिया है मैंने, और मैंने ऊपर का एक्सेंटर भी पहले ही निकाल दिया था, ये जहाँ पे लगाया था कि अच्छे से क्लीनिंग होता है। Till now it's all good with अच्छी सर्विस, कैसा है और कैसा एक्सपीरियंस है। या थैंक यू, ओके ओके। मेरी गाड़ी यहीं की यहीं पड़ी हुई है, मैं 11 बजे का आया हूँ और अभी ऑलमोस्ट कितना 2 बजने वाला है। यही इन लोग का बहुत स्लो है यार, बहुत ही ढीले हैं, बहुत स्लो है यार। अभी तक इन्होंने वॉश नहीं किया है और टाइम होने को आ गया है, तो मतलब 3 घंटे हो चुके हैं, गाड़ी यहीं की यहीं पड़ी है। दुनिया भर का बोल दिया कि आपको स्प्रॉकेट चेंज करना है, चेंज स्प्रॉकेट आल्सो, द टीथ यू कैन सी फ्रॉम हियर, द टीथ ऑलरेडी इज गॉन, ओके दिस इज द टीथ, ओके सो इट्स एक्चुअली इट्स विद लेबर इट विल कम 4800 to 5000 द फुल सेट, सी द चेन स्प्रॉकेट एंड द फ्रंट स्प्रॉकेट, ओके फ्रंट स्प्रॉकेट आल्सो। GoPro बाबा की बैटरी हो गई है ख़त्म, और यहाँ पे जब मुझे एंड करना था, बिल जो हुआ था वो सब रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। यानी हाँ, अभी हम लोग DJI से ही करते हैं, बट ऑब्वियसली गाड़ी चलते वक्त तो नहीं कर पाएंगे, अभी कर पाएंगे। बिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हुआ था स्क्रीन पे। DJI के एक्चुअली में साउंड थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट बेटर है, तो बिना ऑन किए ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। अगर आपको मैं गाड़ी दिखा दूँ ना, तो गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है, ओके। बाकी डिटेल्स मैं आपको अलग से बताता हूँ। अभी तो हमारे GoPro बाबा ने दम तोड़ दिया है। तेजस, आई फॉरगॉट टू आस्क, डू यू हैव चेंज द स्पार्क प्लग? नो सर, नो चेंज, ओनली चेंज, आई विल चेंज इट, ओके, बट आई हैव टोल्ड टू चेंज द स्पार्क प्लग आल्सो, हैव यू चेक्ड इट? Balaji, I have told to change the spark plug. But it's good, sir, right? It's good. Like, but he said he didn't check. Like, if he has checked and inspect, then no problem. But if it's need to be changed, I'm going there. There's too much customers. Okay, okay. You can take the phone. It's 2 minutes job. Okay, no problem. इधर इन्होंने मुझे गाड़ी दे दी थी, और मुझे एंड में याद आया कि बिल जब मैंने चेक किया कि स्पार्क प्लग का इन्होंने पैसा क्यों नहीं लगाया, तो अब जाके अभी ये लोग स्पार्क प्लग चेंज करेंगे। या चेंज नो बोलो, मैं ले जाता हूं आपको। 40 तक आ रहा है, 38-40, हां तो वाइट रहता तो अच्छा रहा, पता नहीं। ये वाला पूरा ब्लैक रहता तो माइलेज नहीं आ रहा है 25 किलो। नाम भूल गया था, नाम क्या है? बालाजी सर। बालाजी, बालाजी नाइस। आई थिंक इट्स अ नेम ऑफ सम गॉड आल्सो इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, ओके। यू आर फ्रॉम तमिलनाडु? नो सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटक। Tejas, this time don't forget anything, yeah? Oh. Take your time and finish, okay? Properly installed? Done? चलो यार, thank you. Okay, so take care. तो ये जो ये मरून शर्ट में और ये दोनों है जो इसने भी गाड़ी मेरे को दिया, दोनों न्यू जॉइनीज़ हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। That maroon shirt name is बालाजी, जो इसने ब्लू शर्ट पहना है, his name is है यार, नाम भूल जाता है यार, तेजस। उसने मेरा पूरा बाइक सर्विस किया, थोड़ा नया था। ही जस्ट लेफ्ट TVS, ही हैड सम इश्यूज विद TVS, हिज प्रीवियस जॉब। नाउ ही हैज़ फाउंड हिज सैनिटी इन द सुजुकी सर्विस सेंटर। सो नाउ अभी जो टोटल प्राइस हो गया है वो अराउंड 1500 हो गया। इनके एक्स्ट्रा छोटे मोटे जो है ना चूरण पूरण, और इतने फालतू के एक्स्ट्रा होते हैं ना कि 200-300 एक्स्ट्रा लगा ही लेते हैं। 10,626 और अभी निकलते हैं, है ना। चलो, एवरीथिंग इज सेट। चलो लेट्स गो। यस शाबाश, जय भोलेनाथ, जय श्री शंकर। आज का दिन पूरा छुट्टी लेना पड़ा, पूरा दिन डेडिकेटेड टू सर्विस सेंटर। जो ऑलमोस्ट मुझे निकलते निकलते 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा और लेट होता ना तो शाम की जो ट्रैफिक होती ना पागल हो जाता है उसमें। अभी इसको मस्त घर में जाएंगे और अपना हैंडल बार बैग एक्सटेंडर मस्त सा लगा देंगे। गाड़ी में इंजन ऑयल नया डाला है, स्पार्क प्लग नया डाला है, एयर फिल्टर नया डाला है। और सच बताऊँ तो स्टार्ट करते ही मेरे को फीलिंग आ गई कि भाई गाड़ी में कुछ हुआ है, बदलाव हुए हैं, और अच्छे बदलाव हुए हैं। और जहाँ तक मैं सर्विस एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सर्विस एक्सपीरियंस मेरा, जो एक्सपीरियंस मेरा चेन्नई में था एट दी नेटवेस्ट शोरूम, भाई वो लड़के का मतलब अलग ही काम था। बहुत ही लाइक टेंशन फ्री बिंदास काम था, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं था, बट या इट वाज ओके। बट कंपैरिजन अगर आएगा तो जो चेन्नई में मैंने अपनी बाइक की सर्विस करवाई थी, दैट वाज माइंड ब्लोइंग ब्रिलियंट। बट जो मैं 2 लोगों को मिला, बालाजी को और तेजस को, दे वर रियली काइंड, दे वर रियली हेल्पफुल। एंड कभी भी आप उन्हें कुछ बोलो, कोई रिक्वेस्ट करो प्यार से, अच्छे से, दे हैव लिसन टू इट, और उन्होंने उस चीज़ को सॉल्व किया। या गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू नो दीज गाइस कैन फूल यू। छोटी सी बात है जो हो सकती है सॉल्व, या फिर डिले हो सकती है, ज़रूरत नहीं है, और उस पर ये लोग आपको कोई पार्ट्स को रिप्लेस या चेंज करने को बोल रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, इन्होंने मुझे क्या बोला है कि आपकी जो बाइक का चेन है, रियर स्प्रॉकेट और फ्रंट स्प्रॉकेट दोनों चेंज करना पड़ेगा। और जब मैंने रीज़न मांगा, दे हैव टोल्ड मी कि ये देखो यहाँ से हल्का सा बेंड हो गया है, इट्स नॉट इन दी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये ब्ला 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 जो भी उन्होंने अपना ज्ञान मुझे चोदा। एंड ही वाज टेलिंग मी कि आप चेन मेंटेन नहीं करते हैं। और वहाँ पे मेरा एक कन्वर्सेशन हुआ उनके साथ, और उनका जो दूसरा बंदा था जो प्रीमियम लग रहा था बंदा, कि वे बहुत बड़ा आदमी है, ब्लैक टी शर्ट पहनाता है भूसा वाली, लाइक ही इज़ गाइडिंग मी। ठीक है, अगर कोई आपको सिखा रहा है समझ में आता है, बट एक बॉडी लैंग्वेज होती है जिससे आप समझ जाते हो कि भाई ये बहुत कुछ हुआ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो ये नहीं है, ही इज ट्राइंग टू बी समथिंग एल्स। और बहुत ही, एंड ही वाज टेलिंग मी कि मैं तो आपको एजुकेट कर रहा हूँ। तो मैं बोला हाँ, ये प्रॉब्लम कैसे हुआ? अगर मुझे इसने 4500-5000 रुपये किसी पार्ट का बोला है तो मैं ऐसी तो उसको पे नहीं कर दूंगा। सो आई स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चंस कि ये मुझे वारंटी में मिलेगा क्योंकि ये साल के अंदर ख़राब हो गया है, तो शुड आई क्लेम, शुड आई यू नो डू सम कंप्लेन जिससे मेरा कुछ यू नो सॉल्व हो सकता है, या मेरे को पैसे बच सकते हैं, या यू नो इतना फालतू का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सो ही इज़ टेलिंग मी कि आप ना सर्विस तो कराते हो बट आप चेन मेंटेन नहीं करते, कस्टमर्स को पता नहीं है कि चेन कैसे मेंटेन किया जाता है। एंड आई जस्ट सिंपली टोल्ड हिम दैट या आई डोंट डू सर्विस एंड ऑल, बट सर्विस जो होती है वो हर 5000 किलोमीटर पे होती है, तो अब मैं 5000 का वेट तो नहीं कर सकता, तो आई डू ऑल दी चेन सर्विसिंग एंड क्लीनिंग मैनुअली, खुद करता हूँ मैं। ही वॉज लाइक खुद कैसे करते हो आप, हाउ डू यू नो, और कितने किलोमीटर पे करते हो? कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? यहाँ मैं करता हूँ लाइक 500 से 800 किलोमीटर में मैं इसकी सर्विसिंग करता हूँ चेन की, और इनकेस पैडॉक स्टैंड है तो पैडॉक स्टैंड पे, नहीं तो अपना नॉर्मल साइड स्टैंड पे लगा के कर लेता हूँ। तो बोलता है नो 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 300, मतलब उसको टोकना है, ही हैज टू आर्ग्यू ऑन एवरीथिंग। 300 किलोमीटर पे करनी चाहिए। मैंने कहा चूती है, मैंने बोला चल छोड़ मुझे बहस ही नहीं करना। मैंने उसका पूछा कि भाई क्लेम कर सकते हैं, कुछ वारंटी में है, तो ही डिनाइड। ओके, तो मैं अभी आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ चेन स्प्रॉकेट के हिसाब से हुआ कि ही सेलिंग मी टू चेंज द चेन स्प्रॉकेट फ्रंट एंड रियर दोनों, जिसका प्राइस है अराउंड 6000। जो बोल रहा है इट्स टू मच यार, इट्स टू मच, आई थिंक नहीं 6000 नहीं, उसने कुछ 5000 बोला, मतलब डूड इट्स टू मच यार। तो मैंने फिर साकिब को कॉल किया जो थोड़ा यू नो आपसे ज़्यादा जानता है, जो आपको एडवाइस कर सकता है। सो ऐसे लोग आपके कॉन्टैक्ट में होने चाहिए। तो ही ऑल्सो टोल्ड मी कि भाई आपका बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा तो कॉस्ट नहीं होता है, बट फिर भी आप चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूबिंग करके उसको चेन सेट कराओ, टेम्पररी जुगाड़ है, क्योंकि 10,000 में इतना जल्दी ख़राब होना इट्स वियर्ड। तो फाइनली मैंने उसको बोला कि भाई एक काम कर देख, अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने ऐसे बोला कॉन्फिडेंटली कि मुझे नहीं करना, आई माइट थिंक अबाउट इन द नेक्स्ट सर्विस, तो बंदा सामने से जो दूसरा था ही वॉज लाइक ओके, और उसके साथ में एक दूसरा मैकेनिक जो मैकेनिक था वो आ गया, और उसने मुझे अलग से बोला, उसका नाम, हाँ उसका नाम भी बालाजी था, जिसने यूनिफॉर्म पहनी थी। एंड ही टोल्ड मी हाँ आपको अभी कराने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू नो पिक्चर ऐसे चेंज हो गया, जहाँ मेरा बिल 6000 बनना था वहाँ अभी इस लाइक कि वो 5000 के खर्चे करने की ज़रूरत ही नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड, मैं भी नेक्स्ट सर्विस में करवा सकता हूँ। ऑल आई डिड इट जस्ट टुक अ स्टैंड। वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया एक ऐसे बंदे को जिसको थोड़ा सा आइडिया हो, उससे मैंने एक सेकंड ओपिनियन लिया। एंड फाइनली आई केम टू दिस कंक्लूजन कि भाई मेरे को ज़रूरत अभी नहीं है इसको करने की। एंड वो जस्ट बोलते ही हुआ क्या कि दूसरा मैकेनिक भी एग्री हो गया, एंड ही इज ऑल्सो स्टार्टेड टेलिंग मी कि हाँ भाई आपको ज़रूरत नहीं है। और जो पहले वाला था ब्लैक टी शर्ट वाला वो तो आउट ऑफ पिक्चर हो गया, जो मुझे कन्विंस कर रहा था कि आपको ये चेंज करना है। तो अगर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है आपके साथ, यू मेक श्योर कि आप एक सेकंड ओपिनियन लो, वहाँ पे तुरंत हाँ ना बोल दो और फिगर आउट करो इशू क्या है। और अगर उसके साथ साथ आपके पास कोई यू नो प्रोफेशनल है या आप किसी को कांटेक्ट करते हो, उससे एक आइडिया ले लो, और जब वो आइडिया मिलता है फिर आप उनसे वापस बात करो कि भाई ये ज़रूरी है, इज़ इट मैंडेटरी, ये चल सकता है, जो चीज़ चल रही है उसको आप इतना यू नो जल्दी से आप उसको चेंज करके इतना खर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे 1000-2000 का बिल बनना है वहाँ पे आपका 6000 का बिल बन रहा है। ऑलराइट, सो नाउ आई एम गोना टेल यू कि मैंने इसमें क्या क्या फिक्स करवाया। पहली चीज़ तो ये कि ये जो इसकी जो विंडशील्ड है ना, ये थोड़ा सा मतलब मेरे को डाउट था कि ये रैटल कर रही है, तो इसके मैंने चारों चीज़ें, चारों स्क्रू एलन की से टाइट करवाए। दूसरा उनको मैंने सर्विस के अलावा बोला कि ये जो क्लच केबल है और अपना जो ये थ्रॉटल ग्रिप है, इन दोनों का फ्री प्ले और इसमें ल्यूब्रिकेशन। तीसरी चीज़ मैंने बोली कि फ्रंट और जो रियर ब्रेक्स के ब्रेक पैड्स हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है, बट वो नहीं थी, मैंने भी चेक किया, आगे का तो मैंने लास्ट टाइम करवाया था, तो इन शॉर्ट थर्ड सर्विस में मेरे को ब्रेक पैड्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा जो मैंने एक चेंज करने के लिए बोला, उनको मैंने बोला कि ये जो हैंडल गार्ड्स है ना, नकल गार्ड्स, ये थोड़े से ऊपर करने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं थे। और पॉसिबल कैसे हो पाए, ये जो पूरा स्टेयरिंग का जो ये आपका यूनिट है, इसको मैंने हल्का सा रोटेट करके इसको थोड़ा सा अपनी तरफ किया। सो नाउ द हैंडल गार्ड इज लिटिल मोर टुवर्ड्स मी इंस्टेड ऑफ फेसिंग अवे फ्रॉम मी। तो ये एक मैंने एक हैंडल बार का कह सकते हैं कि एंगल चेंज करवाया। रेस्ट तो आई थिंक मैंने इसमें और कुछ नहीं, बाकी जो मेन सर्विस में होता है वही मैंने करने के लिए बोला। जो एक्स्ट्रा मैंने उनको चीज़ें बोली वो मैंने ये इनको छोटी मोटी चीज़ें एट द टाइम ऑफ जब वो जॉब कार्ड बनाते हैं कि ये चीज़ें मुझे दिक्कत दे रही है, तो इसमें आप एक बार प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। तो इस तरीके से आप सर्विस के अलावा भी कोई छोटी मोटी चीज़ें अगर आप करवाना चाहते हैं, जो मैंने ये करवाई, वो आप करवा सकते हैं। या सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कितना मुझे खर्चा आया और मैंने क्या क्या चेंज करवाया। सो जो चेंजेस हुए, जो मैंने अपडेट किए, जो वो मेनली हुए इसके इंजन ऑयल पे, जो 1200 ml डाला। दूसरा एयर फिल्टर इसमें नया डाला गया, उसके साथ साथ स्पार्क प्लग चेंज हुआ। तो एनी हाउ याद रखना, अगर थर्ड सर्विस है, आपने 10,000 टच कर लिए हैं, सो मेक श्योर यू चेंज दी स्पार्क प्लग, ये मत भूलना। तो टोटल जो मुझे कॉस्ट पड़ा वो अगेन 2000 के अंदर ही पड़ा है और वो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। तो ये 100, 200, 150 ऐसे यहाँ पे आगे पीछे किया गया, बट इन शॉर्ट 2000 के अंदर मेरी जो सर्विस थी बाइक की, थर्ड सर्विस, वो निपट गई है। पार्ट्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से पार्ट्स एक्चुअली में चेंज हुए हैं। सो ये था गाइस बेसिक सा एक अपडेट अबाउट द सेकेंड सर्विस। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मोटो व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।